हेलो गाइस, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं अनबॉक्सिंग स्पोर्ट। गाइस, आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एक 50 वॉट की आरजीबी एलईडी फ्लड लाइट की, जो कि यहाँ पे आता है रिमोट कंट्रोल के साथ। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं कैसी आपको इसकी ब्राइटनेस देखने को मिलती है, क्या इसके यहाँ पे क्वालिटी और क्या यहाँ पे वर्थ करती है अपनी प्राइसिंग को, तो सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से अंत तक देखते रहिए। तो गाइस, सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, ये हमारे पास हमारी 50 वॉट की एलईडी फ्लड लाइट का बॉक्स, तो यहाँ पे से मैंने अमेजोन से बाय करा और यहाँ पे मेरे को डिलीवर्ड हो गया। तो डायरेक्टली कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ओके गाइस, तो इसे यहाँ पे मैंने अनबॉक्स कर लिया और इसको निकाल लेते हैं यहाँ पे बाहर और इसे रख देते हैं फिलहाल साइड में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ए स्टार एलईडी कास्ट लाइट यहाँ पे लिखा है। और गाइस, यहाँ पे मैंने आरजीबी कलर में मंगाई थी और यहाँ पे व्हाइट कलर में दिख रहा था, शायद अभी चेक करते हैं। और बाकी बॉक्स में यहाँ पे तो व्हाइट वाली जो एलईडी लाइट है उसके फीचर्स देखे हैं, लेकिन यहाँ पे 60 वॉट की नहीं, यहाँ पे 50 वॉट की लाइट है। और बाकी इसकी प्राइसिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 450 रुपये इसकी एमआरपी लिखी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि कैसा आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो और बॉक्स में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये है हमारी आरजीबी लाइट, इसके नीचे कुछ और। ओके, तो इसके नीचे यहाँ पे आपको रिमोट भी देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे रिमोट है, तो इसे रख देते हैं साइड में। और यहाँ पे आप लाइट देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे बॉक्स इन्होंने मेरे को दूसरा दे दिया है, लेकिन यहाँ पे आरजीबी लाइट है। तो बाकी ये आप देख सकते हैं। ओके, तो इसमें यहाँ पे शायद रिमोट यहाँ पे पेस्ट कर रखा था उन्होंने। तो बाकी आपको लाइट देखने को मिल जाती है, काफी हल्की क्वालिटी की यहाँ पे लाइट है। और साथ में बस आपको ये तीन चीजें देखने को मिलती है कि लाइट, बॉक्स और ये। और इसके वायर की बात करें तो काफी छोटा सा वायर दे रखा है उन्होंने यहाँ पे, आप वायर देख सकते हैं काफी छोटा सा है, मतलब इसमें मैं पावर कोर्ड तक भी कनेक्ट नहीं कर सकता। तो बेसिकली एक राइट दे रखी है और यहाँ पे पीछे ये दे रखा है। क्वालिटी इसकी काफी लाइट वेटेड है। तो आगे से चेक करके देखते हैं और कैसी आपको देखने को मिलती है। और बेसिकली आप लाइट देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रू की मदद से इसे यहाँ पे कवर कर रखा है। तो ये थी इसकी अनबॉक्सिंग। आगे इसके बारे में थोड़ी और डिटेल में बात करते हैं और आपको मैं इस लाइट को चेक करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे वर्क करती है फिर नहीं। और यहाँ पे साथ में इस रिमोट को भी चेक करके दिखाते हैं आगे इस वीडियो में। तो गाइज, इस 50 वॉट की आरजीबी एलईडी लाइट को मैंने अमेजोन से मंगाया था, तो इसकी प्राइसिंग मुझे पड़ी थी वो पड़ी थी यहाँ पे 300 रुपए के करीब। और यहाँ पे रिमोट कंट्रोल के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले आपको चेक करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे वर्किंग है या फिर नहीं और कैसी इसकी यहाँ पे आपको ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे लाइट रखी है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे प्लगिंग करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास है एक एक्सटेंशन कॉर्ड, तो फिलहाल इसे मैंने यहाँ पे ऊपर की साइड यहाँ पे रख लिया और इसे यहाँ पे मैं लगा देता हूँ यहाँ पे साइड में। तो इसे यहाँ पे मैंने साइड में रख लिया है। तो और इसका यहाँ पे फेस है वो मैं अपनी तरफ कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्राइटनेस आगे कैमरे पे लगेगी तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। और गाइस, इसके साथ आपको यहाँ पे वायर है वो काफी छोटा मिलता है, तो मैंने अलग से यहाँ पे इतना बड़ा वायर यहाँ पे अटैच करा है। तो इसे मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऑन कर रहा हूँ, उससे पहले मैंने सिर्फ यहाँ पे प्लग वगैरह यहाँ पे लगाया है। और यहाँ पे ये है इसका रिमोट, तो मेरे को रिमोट भी नहीं पता यहाँ पे वर्क करता है या फिर नहीं। तो सबसे पहले से यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे वर्किंग है और यहाँ पे रेड, ग्रीन, ब्लू तीन कलर के अंदर यहाँ पे जल रही है। और ब्राइटनेस आप देख सकते हैं मेरे फेस पे, जो आप ब्राइटनेस देख सकते हैं वैसे इसकी यहाँ पे ब्राइटनेस है। तो रिमोट चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो रिमोट वर्क यहाँ पे कर रहा है। तो जब मैंने इसे बाय करा तो वहाँ पे काफी ज्यादा रिव्यू थे कि रिमोट वर्क नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे वर्क कर रहा है, अभी ऑफ हो गया है। तो ऑन ऑफ यहाँ पे दोनों तरीके से यहाँ पे रिमोट है, जो छोटा सा बेसिकली आपने देखा होगा रिमोट आरजीबी लाइट का, यहाँ पे रिमोट आता है जो आरजीबी लाइट आती है स्ट्रिप वाली, तो उसकी तरह यहाँ पे इसका भी रिमोट है। तो ब्राइटनेस में आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे 16 कलर्स आपको देखने को मिलते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, अरे तो गाइस यहाँ पे सिर्फ 3 कलर ही वर्क कर रहे हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, मतलब जो और भी यहाँ पे कलर हैं येलो, पर्पल और वॉयलेट, जो आपको और कलर्स मिलते हैं वो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहे हैं, मतलब 3 कलर वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें 16 कलर्स लिखे हैं लेकिन 3 कलर यहाँ पे जो रेड, ग्रीन, ब्लू, आरजीबी कलर है वो वर्क कर रहे हैं। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, यहाँ पे 3 ही कलर वर्क कर रहे हैं और एक यहाँ पे व्हाइट कलर भी वर्क कर रहा है, मतलब 16 में से टोटल 4 कलर वर्क कर रहे हैं, व्हाइट, ग्रीन, रेड, ब्लू, आरजीबी। तो मतलब टोटल 4 कलर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो शायद शायद यहाँ पे मुझे डिफेक्टिव यहाँ पे पीस डिलीवर्ड हुआ है, जो कि सिर्फ 4 कलर के साथ यहाँ पे वर्क करता है।
तो बॉक्स पे ऐसा कुछ भी मेंशन वगैरह नहीं है। और इसके अंदर यहाँ पे आपको चार मोड भी देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले चारों मोडों को यहाँ पे टेस्ट करके दिखाते हैं कि कैसे आपको मोड देखने को मिल जाते हैं ऑन फ्लैश। तो मतलब पार्टी वाला मोड चालू हो गया, कहीं भी आप इसे लगाइए और पार्टी इंजॉय कीजिए, मतलब फ्लैश हो रही है लाइट आपस में। ओके, यहाँ पे ये मोड वन था। और बाकी इसके अंदर आपको स्ट्रोब का मोड भी देखने को मिलता है, तो देखते हैं वो कैसे वर्क करता है। स्ट्रोब वर्क नहीं कर रहा, फेड स्मूथ। तो गाइस यहाँ पे मोड भी सारे वर्क नहीं कर रहे, सिर्फ एक फ्लैश मोड ही यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो मतलब फंक्शन तो सारे हैं। और अमेजोन पे जब मैंने इसे बाय करा था, डिस्क्रिप्शन में भी लिखा था कि यहाँ पे सारे मोड वर्क करेंगे, लेकिन 16 में से 4 कलर चल रहे हैं और 4 में से सिर्फ एक यहाँ पे मोड वर्क कर रहा है। तो मतलब ऑन ऑफ का बटन तो वर्क कर ही रहा है। ओके, तो शायद मैं इसे आगे रिप्लेस करूँ, क्योंकि 4 कलर वर्क कर रहे हैं 16 के नाम पे। तो आगे इसके यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी क्वालिटी के बारे में। तो बेसिकली आपको नीचे एक बेस पे यहाँ पे सारी एलईडी रखी हुई हैं और उसके ऊपर यहाँ पे एलईडी लगा रखी है। और गाइस यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो एलईडी लाइट है वो वाटर प्रूफ है। तो मैं यहाँ पे नहीं मानता कि क्योंकि वाटर प्रूफ है, क्योंकि इसका जो यहाँ पे केस है वो यहाँ पे करीबन कुछ स्क्रू से यहाँ पे बंधा हुआ है, तो मतलब स्क्रू पानी को नहीं रोक सकते, तो शायद ये वाटर प्रूफ नहीं है। शायद ये मतलब कन्फर्म ही वाटर प्रूफ नहीं है, मतलब फोन वगैरह में कोटिंग वगैरह आती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम अगर वहाँ पे लिखा है कि आप इसे आउटडोर पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे खराब हो जाएगी लाइट, क्योंकि पानी अंदर साफ दिख रहा है कि जा सकता है, तो वाटर प्रूफ तो यहाँ पे लाइट नहीं है। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में ज्यादा मजा नहीं आया, मतलब क्योंकि यहाँ इसके अंदर आपको एडजस्टेबल यहाँ पे नॉब देखने को मिल जाती है, तो आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने इसे वॉल पे ऐसे फिट कर दिया, तो उसके बाद आप ऊपर नीचे कहीं भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, तो एडजस्टेबल यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाती है। और क्वालिटी में मतलब ज्यादा मजा नहीं आया, तो मतलब सिंगल टाइम क्वालिटी है कि आपने इसे यहाँ पे इस तरीके से परमानेंट फिक्स कर दिया, तो मतलब ये सालों साल चल जाएगी, मतलब जब भी चलनी होगी। लेकिन अगर आप रोज इधर उधर करेंगे, तो आई थिंक यहाँ पे जो उसका पैनल है वो यहाँ पे टूट जाएगा, क्योंकि मेटल यूज करा गया है बैक साइड में, और मेटल की क्वालिटी काफी ज्यादा कमजोर है, मतलब स्क्रू है और काफी ज्यादा पतली सी यहाँ पे मेटल की शीट यूज करी गई है, तो क्वालिटी के मामले में ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग ये नहीं है। उसके बाद अब बात करते हैं आप इसे यूज कैसे कैसे कर सकते हैं, मतलब किस किस जगह पे आप यूज कर सकते हैं इस लाइट को। तो सबसे पहले अगर आप इसे आउटडोर कंडीशन के लिए यहाँ पे बाय करना चाहते हैं कि आप बाहर वगैरह यूज करेंगे जहाँ पे वेदर चेंज होता रहता है, तो वहाँ के लिए बिल्कुल रिकमेंडेबल नहीं है, क्योंकि खराब हो जाएगी, साफ दिख रहा है कि यहाँ पे वाटर प्रूफ नहीं है। और बाकी आप सेटअप वगैरह में यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अगर आपका कोई स्टूडियो वगैरह है तो आप उस पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि तो आप बैकग्राउंड में इस लाइट को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इस तरह का आपको बैकग्राउंड में इफेक्ट देखने को मिलेगा, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, मतलब 4 आपको कलर देखने को मिल जाते हैं, वैसे तो 16 मिलते हैं, तो शायद आप जो मंगाए उसमें वर्क करें। तो आप इस तरीके से यहाँ पे इसे बैकग्राउंड में यूज कर सकते हैं। आपने क्वालिटी भी देख ली कि बैकग्राउंड में कैसी देखने को मिलती है। और गाइस बाकी आप टेम्पल वगैरह, फिर जो भी ओकेशनली अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं, तो आप वहां पे भी कर सकते हैं, दिवाली पे आप यूज कर सकते हैं, मतलब जो बेसिक पर्पस है उसमें आप सब में यूज कर सकते हैं, लेकिन आउटडोर में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि लाइट खराब हो जाएगी और करंट के भी चांसेस है, यहाँ पे करंट आ जाए पानी के अंदर। तो यहाँ पे ये थी लाइटिंग की क्वालिटी। ब्राइटनेस इसकी काफी इनफ है, मतलब मेरे पास एक बल्ब भी है जो कि 16 मिलियन कलर्स के साथ आता है, तो वो 9 वाट का बल्ब है, लेकिन यहाँ पे 50 वाट की एलईडी लाइट है, तो 50 तो मैं से नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी ब्राइटनेस इनफ है इसकी। आप नॉर्मल चीज में से डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, ब्राइटनेस में आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, मतलब आप मेरे फेस पे अगर देखें तो ऑन, तो अलग अलग पर्पस के लिए आप म्यूजिक वीडियो शूट करना चाहते हैं, या फिर अगर आप मल्टी पर्पस के लिए, मतलब पर्पस तो काफी है, लाइट तो आजकल हर जगह चाहिए होती है, लाल पीली हरी नीली, तो जहां आप इसे यूज करना चाहें कर सकते हैं। और गाइस मैं आपको एक चीज और रिकमेंड करूंगा, इसे मैंने अभी रिमोट से ऑफ कर रखा, पावर ऑन है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके अंदर हल्की सी मतलब जो लाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब लाइट आपको ऑन देखने को मिल जाएगी, जिसकी यहाँ पे जो ब्राइटनेस है वो काफी ज्यादा लो है, तो मतलब रिमोट से ऑफ करने के बाद थोड़ी सी ब्राइटनेस आती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मतलब अगर आपको इसे लंबे समय के लिए ऑफ करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इसे प्लग से ही ऑफ कीजिए, मतलब क्योंकि लाइट तो यूज हो रही है और ज्यादा लंबी नहीं चल पाएगी अगर आप इसे 24 घंटे आप रिमोट से ऑफ करके रखेंगे। टेम्प्रेरी यूज के लिए आप डेफिनेटली इसे यूज कर सकते हैं। रिमोट की क्वालिटी की बात करें तो नॉर्मल सी क्वालिटी जैसी आपको 8 GB लाइट में देखने को मिल जाती है। तो बाकी आपके ऊपर, अगर मैं आपको 300 रुपये में प्रोडक्ट रिकमेंड करूँ तो आप बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फीचर सारे मिल रहे हैं, क्योंकि आपको 300 रुपये इसकी प्राइसिंग मिल रही है और यहाँ पे मेरे को सिर्फ 4 कलर देखने को मिलते हैं,
इसे तो यहाँ पे मेरे को रिटर्न या रिप्लेस कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपके उसमें सारे वर्क करें तो बेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीपर्पज, काफी कमाल की चीज है, आप इसे मल्टीपर्पज में यूज कर सकते हैं। तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा आप इसे बाय करें, लेकिन तभी जब सब चीज वर्क कर रही हो तो आप रिटर्न रिप्लेस कर सकते हैं। बेस्ट बाइंग मतलब जो भी इसकी बेस्ट प्राइसिंग होगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सबसे सस्ती से लेके जो भी आपको बेस्ट मिलेगी। और यहाँ पे व्हाइट कलर के अंदर भी आती है, तो अगर आप वो बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा ब्राइट रहती है जो व्हाइट वाली आती है, उसमें आपको ये रिमोट वगैरह देखने को नहीं मिलता। तो जो आप बाय करना चाहें बाय कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं इसे रेटिंग की बात करूँ तो मैं इसे भी तो 10 में से 5 दूंगा, लेकिन अगर यहाँ पे वर्क करती तो मैं इसे देता 10 में से 7, इसकी क्वालिटी वगैरह सबको देखते हुए। तो गाइस बस यही थे इस वीडियो में, वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी आप ऐसी डिटेल में अनबॉक्सिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल अनबॉक्सिंग एक्सपर्ट को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ऐसी डिटेल्स में वीडियो मिलती रहती है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।